हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले मेथी की सब्ज़ी। और मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेंगे कुछ प्याज और कुछ कटे हुए लहसुन और मेथी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, कुछ आप ऐसे साबुत भी रख सकते हैं। थोड़े से हमें कट किए हुए टमाटर लगेंगे, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं या फिर डाइस कर सकते हैं। और हमें थोड़े से लगेंगे मटर, मटर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने एक मुट्ठी भर मटर लिए थे इसमें। और मसालों में ज़्यादा कुछ मैं डालूंगा नहीं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा, जीरा और सरसों के थोड़े दाने, बस मुझे इतना ही डालना है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो ऐड करना चाहते कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में तेल ले लूँगा, उसको गर्म होने के बाद उसमें मैं जीरा डाल दूँगा। उसके बाद सबसे पहले डालना है हमें लहसुन। मैंने यहाँ पे सरसों के दानों का इस्तेमाल नहीं किया है, सो अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे जब तक लहसुन थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। एक बार जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हमें उसके बाद फिर से प्याज ऐड कर देना है। तो अभी इसको थोड़ी देर पकने देना है। थोड़ी देर के पकने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी हम ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर हासिल नहीं कर लेता अच्छी तरीके से। इसको भी देख लीजिए मैं इसको अच्छे तरीके से फैला रहा हूँ ताकि ये हर साइड से हर एंगल से कुक हो जाए। और प्याज जो है कुक होने के बाद थोड़ा सा एक मीठापन छोड़ता है, सो वो भी हमें अच्छे तरीके से काम में आने वाला है, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी जो है थोड़ी बहुत कड़वी होती है। तो अभी इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद हम इसमें मटर के जो दाने हैं वो ऐड कर देंगे। और मटर के दाने आप देख ही सकते हो, मैंने सिर्फ मुट्ठी भर डाले। तो अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। वैसे आप ढक्कन रख भी सकते हो इसको अच्छी तरीके से एक भाप देने के लिए, बट मैं ऐसे ढक्कन नहीं रख रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सेट कर देंगे। जैसे जैसे कुक होता है वैसे वैसे हम इसमें और टमाटर मसाले ऐड करते जाएंगे। तो भी इसको अच्छी तरीके से एक बार और मिक्स कर लेंगे हम। आप देख ही सकते हो जो ऑनियन का कलर है वो अभी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, लहसुन तो पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सो एक अच्छी बात है, अच्छी तरीके से पक गए हैं अभी ये। आप देख ही सकते हो अभी थोड़ी सी भाप निकल रही है। सभी हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद है या फिर मीडियम स्पाइसी पसंद है। इसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर, वो भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। सो भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस सब्जी को। सभी बारी आती है टमाटर की, इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है पानी छोड़ता है, सो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। जब हम मेथी डालेंगे इसमें सो वो अपने आप ही पानी छोड़ देगा और जो भाप बनेगी उसी पानी से बनेगी। तो मेथी की पकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो है यही ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम इसमें मैं डाल दूंगा आमचूर पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या फिर स्किप आउट कर सकते हो। और कलर आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अभी। इसको थोड़ी देर के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को पकने देना है। आप ढक्कन रख भी सकते हैं। अभी डाल देंगे मेथी। मेथी भी मैंने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है, थोड़ा पोर्शन जो है मैंने बहुत ज़्यादा चॉप कर दिया है और थोड़ा पोर्शन जो है एकदम साबुत रखा है ताकि वो खाने में भी अच्छी लगे और जो कंसिस्टेंसी है उसकी बनी रहे। सो आप थोड़ी थोड़ी करके मेथी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से ऐड कर दिया तो वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती। सो आप थोड़ी थोड़ी करके कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे वीडियो में किया है। मेथी की सब्ज़ी मेरे मॉम की स्पेशल रेसिपी है,
वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को एक बार माँ के हाथ की मेथी की सब्ज़ी दिखा दी जाए। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ शूट किया है, मैंने रिकॉर्ड किया है, बाकी जो सब्ज़ी बनाने का आइडिया था वो मम्मी का था। सो ये पूरा जो वीडियो है मम्मी ने बनाया है, सो आप देख ही सकते हो। अभी मैंने पूरी जो मेथी है इसको मिक्स करने के लिए डाल दिया है। एक बार ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सो ये वॉल्यूम में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पकने के बाद इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अभी देख सकते हो, अब जब मैंने डाली थी तब पूरी कढ़ाई भर के थी, अभी जैसे जैसे मिक्स हो रही है वो सिकुड़ती जा रही है और उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले आप कितने लोगों के लिए बनानी है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। एंड में मैंने नमक डाल दिया, और शक्कर भी ऑप्शनल है, बहुत से लोग डालते हैं बहुत से लोग नहीं डालते, क्योंकि प्याज भी थोड़ा एक मीठापन छोड़ता है, सो वो ही मीठापन हमें बाद में काम आ सकता है। अब मैंने इसको पकने के लिए ढक्कन इसके ऊपर रख दिया है, मैक्स टू मैक्स हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। और एक बार ये पक गई तो ये कुछ अभी आप देख ही सकते हो वीडियो में कुछ ऐसी दिखेगी। सो फाइनली बनके रेडी हो गई मेथी की सब्ज़ी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।